Oh.
सभी ठाकुर जय लीला कृष्ण गोपीदास महाराज जय लक्ष्मीनाथ ठाकुर जय मित्रम सर्व जगन्नाथ दास स्वामी महाराज जय मित्र लक्ष्मीनाथ बावन गोस्वामी महाराज जय शीतलाक्ष्मीदांत त्रिविक्रम महाराज जय परमशिवादिशान भक्तिदांत नारायण महाराज जय सरस्वती वैष्णव वृंद विजय तुलसी महाराज जय गिरिराज महाराज जय जगन्नाथ परम सुभद्रा जय कौल भरताल विजय श्रीमद भागवत पुराण विजय समागत भक्तवृंद विजय गौर प्रानंदे भारतवर्ष के सप्तम प्रदायों में
यहाँ तक कि अब कई पांडवों के संप्रदायों में भी गुरु पूर्णिमा जो करी जाती है उसमें प्यार से इनकी पूजा होती है, सर्वत्र ही प्यार। किंतु गुरु महाराज क्या हमारे गुरु परंपरा के आचार्यों का कहना है जो अपने गुरु जी को ही मूर्ख कहता है वो गुरु की पूजा क्या करेगा। इसलिए शंकराचार्य जी आनंदमय प्राधिकरण वेदांत सूत्र में जब अपने मत के अनुसार में आनंदमय अभ्यास का अर्थ नहीं कर सके, केवल आनंद स्वरूप कृष्ण है, आनंदमय नहीं है। आनंद शब्द का अर्थ है, मय शब्द का अर्थ प्रचुर अर्थ में होता है। तो जिसमें प्रचुर आनंद है तो उसमें कुछ दोष भी हो सकता है। प्रचुर तो है आनंद अधिक है किंतु परिणाम में दुख भी हो सकता है, इसलिए वो आनंदमय नहीं हो सकता है, केवल आनंद स्वरूप। और आनंदमय कहने से जिसमें आनंद है, जिनके सी विग्रह में आनंद है वो आनंदमय विग्रह है, ये अर्थ होता है। शंकराचार्य जी को यह अर्थ ठीक नहीं बैठा, इसलिए किसी को कहा अनगमत स्या। तो मैंने ऐसा कहा जो अपने गुरु को ही गुरु नहीं जानता है ये बात कर सकता है तो उन लोगों की पूजा क्या होगी। इसलिए चारों संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय में क्योंकि विशेष रूप से पूजा होती के समय में हम लोग गुरु परंपरा का गुरु पंचम आचार्य पंचम कृष्ण पंचम सप्त पंचम उपास्य पंचम और दो सात पंचम संतों में करते उसकी पद्धति के अनुसार जैसा भी हो। व्यास जी के इस गुरु पूजा मैंने जन्म तिथि के लिए सनातन गोस्वामी पाद उस समय में गोवर्धन में रहते थे, आज उनका उसी दिन में गुरु पूर्णिमा के दिवस में ही तिरुभाव उत्सव होता है। इसलिए उसी वर्ष से गुरु पूर्णिमा के दिन उनका तिरुभाव होने से सब लोग मस्तक को मुंडन करते हैं, मुंडन, इसलिए उसका नाम होगा मुड़िया पुनो। और गोवर्धन में शोभा यात्रा के साथ में वैष्णव लोग मिलकर के और मानसी गंगा की परिक्रमा करते हैं और वहां पर सनातन गोस्वामी का भजन भी है सकलेश्वर महादेव के पास, वहां पर उनकी पूजा इत्यादि करते हैं। तो उस समय तो साधारण रूप में होता था, इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती है कि उस समय अब लगातार कम बाक्षियों कम ही पुरुषों का कम स्त्रियों का विवाह नहीं हो रहा है, लड़का नहीं हो रहा है। जितनी कामनाएं हैं कामनाओं को पूर्ण करने के लिए गोवर्धन की अधिक लोग परिक्रमा करते हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो शुद्ध भक्ति के लिए परिक्रमा करते हैं। इसलिए आजकल करोड़ों की लोग संख्या में लोग वहां की परिक्रमा करते हैं, कोई कामना पूर्ण नहीं की, बस उसके लिए
मनौती करते हैं, दूध की धार चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं, कोई गंडवती परिक्रमा करता है, कोई एक जगह 1008 बसों में उसको पूरा करते हैं प्रभु। इसलिए संसारी कामना वासना है, किंतु आप लोग कामना वासना के लिए न कर भगवान की प्रेममयी भक्ति प्रतिभोगियों की जैसी भक्ति के लिए ही सनातन गोस्वामी पाद का सबसे पहले मिलन कनाई नाटशाला में हुआ। महाप्रभु के साथ महाप्रभु जी जा रहे थे वृंदावन और उनके साथ में हजार भक्तों आ रहे थे महाप्रभु के साथ में। जबकि तनाई नाटशाला आए तो वहां पर हजारों को लेकर के वहां का बादशाह मुसलमान बड़ा स्तंभित हुआ। इन्हीं लोग इसके साथ में आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं सनातन गोस्वामी से पूछा क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने उसको शांत किया। ये साधु संत लोग हैं वृंदावन जा रहे हैं, इसलिए इनके साथ में आपका राज्य दर्शन करने के लिए नहीं आ रहे। तब वो शांत हुआ और रात में वेश बदल कर रूप गोस्वामी के साथ और चार पांच वर्ष के थे शिव गोस्वामी उनको साथ लेकर के आए और सना प्रभु शिव गोस्वामी को उनको चरणों में लिया और दोनों भाइयों ने कहा विशेष करके सनातन गोस्वामी से इतने लोगों को संकट लेकर के वृंदावन जाना उचित नहीं है, वृंदावन जवाब नहीं पड़ता, वृंदावन जाने की ये परिपाटी नहीं है। इतने संकट के साथ यह सुन करके महाप्रभु ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और वहां से लौट गए और दूसरे वर्ष एक ब्राह्मण को साथ लिया, क्या नाम था उनका उनको साथ पंकज राजा उनको साथ लेकर के और एक कोई रसोईया ब्राह्मण था दोनों को लेकर के को लेकर के बनखंड पंचभूमि के अषाढ़खंड के रास्ते से यहाँ पर बाघ भालू इत्यादि नृत्य करते हैं, हिरण इत्यादि कर और महाप्रभु कीर्तन करते थे। जो उनको दूर से भी दर्शन करता है उनको कृष्ण प्रेम हो जाता, इस तरह से वो चिंता करने हो गए। सनातन गोस्वामी जब वो काशी में पहुंचे तो अपना घर बार सब छोड़कर उनको समय पहले चले आए और सनातन गोस्वामी सब कुछ छोड़ करके राज्यपाल और जेलर को पैसे 11,000 या कितना 10,000 को स्वर्ण मोहर दे करके जेल से छूटकर एक नौकर के साथ में आए। आ रहे थे जंगल में काशी में पड़ता है, उनका साथी था साथी मैं नौकर, वो 8 मोहर या 7 मोहर उनके चोरी ले गया था कि सनातन गोस्वामी की जरूर पुलिस में सेवा कर। ठाकुर ने जान लिया उनके ज्योतियों ने और बड़े हाव भगत के साथ में उनको वहां ठहराया, खिलाया पिलाया। सनातन गोस्वामी तो बड़े चतुर थे, उन्होंने सोचा ये जानते पहचान तो को है नहीं और इतना आदर करते हैं किस लिए, माँ से भी अधिक जो स्त्री प्यार करती है उसको डैन संतोष। तो उन्होंने
अपने नौकर से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है, तो उसने एक को छिपा दिया और कहा पांच मोहर सात मोहर हमारे पास में है, जल्दी से बाहर करो दो मुझे, किसी विदेशी के लिए प्राण जाएगा, तुम इसको क्यों जम को ले आए। उसने ले लिया ले करके और उनको दे दिया। कैतन का सरदार हंसने लगा, बोला इसे ये अच्छा किया जो दे दिया बिना मांगे, और नहीं तो इसी के लिए आज रात में तुम लोगों का प्राण हम ले लेते। तो अभी एक मोहर तुम्हारे और सेवक के पास में है। उन्होंने फिर उसको बुला और पूछा तुम्हारे पास तो एक है, इसको लेकर के और तुम लोगों का, यदि ऐसा हो तो ब्रज में आए, एकांत में कहीं भी ब्रज में रह करके भजन करे, और नहीं तो एक पैसे के लिए हत्या करे। अभी कुछ दिन पहले गोवर्धन में ग्वाल पोखरा में या श्याम में पद कर दिया, नंदगांव में ऐसे ही हो चुका है, लोग छिपा करके कहीं अपनी गुजड़ी पे रखते हैं और उसके लिए वो जान लेते हैं कि इसके पास है और कौन करेगा, कौन करेगा। Same day. At that time, the Vaishnavas
they maintain his disappearance festival and gave him samadhi in the bank of Manasi Ganga, nowadays the Chakrasar Mahadev. And Sanatana Goswami is Bhajan Singh Samadhi Mundi, they put samadhi in that place. So from that day, the Vaishnavas are celebrating Sanatana Goswami's disappearance festival and used to do Govardhan Parikrama. But nowadays, day by day, the crowd is increasing unlimitedly. Why so? There are so many desirable persons. They have not desire for bhakti. They want to fulfill their material desire. Somebody they could not get married, their daughter or son, and somehow no kid at all. So many things, business going down, so many things they are praying over them. Oh, you will fulfill everybody's desire. Please fulfill this mind. Material desire too. Almost all, very rare person that used to come for devotion, in this day almost all is coming for material desire only. They don't know what is Sanatana Goswami, what is the significance of this day, they don't know, only that in Parikrama and praying Leela Govardhan to pray their material desire. So Sanatana Goswami when he disappeared, the Vaishnavas, they saved their hairs and keep Sikha and in Parikrama. From that day is going on, still is going on. So first time the Sanatana Goswami made this Chaitanya Mahaprabhu and Ram Kaligram. At that time, the Sanatana Goswami was the Prime Minister of Bhushasa Bhatsa, a Muslim king. And Mahaprabhu was going to Vrindavan. Thousands of followers were following behind him. Seeing this large crowd, the king is surprised. What is going on? Why so many thousands of people following him? Maybe they want to attack me, want to take position in my kingdom. Then he asked Sanatana Goswami, he consulted Sanatana Goswami because he was Prime Minister. And Upasana also there. Why so many crowd is coming to my kingdom? Sanatana Goswami replied, okay, don't worry about them. Just simply persons that are going to Vrindavan Dham for darshan, nothing else. Sanatana Goswami subsided. At night, Sanatana Goswami changed his dress in disguise, not in Prime Minister dress. Sanatana Goswami Path, Srila Sanatana Goswami Path, Srila Guru Goswami Path, and their small nephew of 4-5 years, he came to darshan for Mahaprabhu. And they booked Srila Goswami Path, the Lotus Feet of Srimad Mahaprabhu. And Sanatana Goswami Path and Guru Goswami Path, especially Srila Sanatana Goswami Path told, this is the proper system to go to Vrindavan with so many followers. The proper system to go to Vrindavan, very few devotees, like-minded. From that place of the Bhagavatam, Srimad Mahaprabhu returned to Venmala.